हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं हूँ माफूसी आइलैंड्स मालदीव्स में और मैं आया हुआ हूँ मालदीव्स 10 दिन की एक टूर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसकी जो वीज़ा पॉलिसी है इंडियंस के लिए और यहाँ पे आप कैसे सफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे जो होटल्स है आप कितने में मिलेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं, अगर आप मालदीव्स में हॉलीडे की प्लान कर रहे हैं तो आपको किस किस बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं वीज़ा के बारे में। इंडियन नेशनल को मालदीव्स में वीज़ा ऑन अराइवल आसानी से मिल जाती है और इसके लिए आपको बस आपकी जो होटल बुकिंग कन्फर्मेशन है और इसके अलावा आपकी जो एयर टिकट है इंडिया टू मालदीव्स और मालदीव टू इंडिया बैक, वो आपको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिसर्स को एयरपोर्ट में, माले एयरपोर्ट में। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और आपको जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है मालदीव्स की वो आपको पूछ सकते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। माले एयरपोर्ट से माले सिटी जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो हो गया बाय रोड जहाँ पे आपको टैक्सी और बस मिल जाती है और उसके अलावा आप बाय फेरी भी जा सकते हैं एयरपोर्ट से माले सिटी के लिए। मैं आया था माले एयरपोर्ट से माले सिटी बाय फेरी और मेरा टोटल खर्चा आया था 10 रुपया। और रुपया जो है मालदीव्स की यहाँ पे लोकल करेंसी है RUFYYAA और 15 रुपया $1 होता है। मैंने होटल बुकिंग किया था माफूसी आइलैंड करके एक आइलैंड में जो कि माले सिटी से काफ़ी दूर है और मुझे लेना पड़ा माले सिटी से स्पीड बोट और इस स्पीड बोट में मेरा खर्च हुआ था टोटल $20। अनफॉर्चुनेटली उस दिन फ्राइडे था तो यहाँ की जो लोकल फेरी है वो मुझे मिला नहीं और लोकल फेरी में खर्च बहुत कम होता है और सिर्फ लगभग $2 के आसपास खर्च होता है और स्पीड बोट के लिए मुझे $20 पे करना पड़ा। अभी बात करते हैं करेंसी की। तो मालदीव्स में मैंने देखा कि यहाँ पे US डॉलर और मालदीव्स की तो लोकल करेंसी है रुपया, यही ज़्यादातर यूज़ होता है। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं मालदीव्स तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो करेंसी है इंडियंस करेंसी आप साथ में मत लाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सचेंज करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो बैंक से यहाँ पे जो एक्सचेंज मनी एक्सचेंज कंपनीज है वो नॉर्मली इंडियंस करेंसी जो रुपीज़ है वो एक्सचेंज करते नहीं है। वो मैंने देखा कि यहाँ पे नॉर्मली US डॉलर काफ़ी पॉपुलर है और अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे US डॉलर में तो वो एक्सेप्टेबल है और यहाँ के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और पैकेज टूर है वो US डॉलर ही यूज़ करते हैं। तो अभी बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। मालदीव्स में होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और अगर आप किसी प्राइवेट रिजॉर्ट में रहते हैं तो वो और भी महंगा हो जाती है। एक सिंपल रूम और अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं तो वो मिनिमम $25 to $30 होता है पर नाइट। और अगर आप किसी भी एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रहते हैं तो उनकी जो प्राइस है वो लगभग $150 से ऊपर की है। मैंने मेरा होटल booking.com के थ्रू मैंने बुक किया था और ये जो होटल है उसका नाम है रेवा इन और ये होटल है माफूसी आइलैंड में। और माफूसी आइलैंड में मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आके यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी पॉपुलर है ये। और मैं सुना हूँ यहाँ की जो लोकल्स हैं उनकी उन्होंने मुझे बताया है कि ये अभी क्राउड बढ़ रहे हैं दिन भर दिन। और मेरा जो रूम है वो बिल्कुल बेसिक है और कोई टेलीविज़न नहीं है और इंटरनेट बिल्कुल ना के बराबर है, इतना फ्लक्चुएट होता है और उसकी जो स्पीड है बिल्कुल स्पीड है ही नहीं और बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं है।
और बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, तो इनके लिए मैंने टोटल खर्च किया $40 पर नाइट। तो अभी बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। मालदीव्स में आप काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनियाँ हैं जो वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं, और यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। मैंने पर्सनली दो पैकेज टूर किया था, मैंने बेसिकली दो डे टूर किया था, और एक पैकेज में मैंने देखा था डॉल्फिन और टर्टल्स, और दूसरे में मैंने देखा था डॉल्फिन्स और शार्क्स। तो ये दोनों में काफ़ी मतलब एंजॉय किया और काफ़ी अमेजिंग ट्रिप था। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर कीजिए मालदीव्स में, और इसके अलावा आप पैकेज टूर भी ले सकते हैं, और ये पैकेज टूर में आपको बहुत बढ़िया आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और आपको साफ़ सुथरा पानी में आप देख सकते हैं टर्टल्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स, और बेहतरीन फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, सी फिश, और काफ़ी सारे लोगों से आप मिल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, मेरा एक ग्रुप में होता है बेसिकली 20 से 25 लोग, और मैंने काफ़ी सारे देशों के लोगों से मैंने बात किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। मालदीव्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और आपको अगर इंडियन खाना पसंद है तो इंडियन खाना हर जगह अवेलेबल है, और अगर आपको इंडियन खाना नहीं खाना है तो आप जैसे कि यहाँ की लोकल कुजिन है मालदीवियन कुजिन, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको विज़िट करना पड़ेगा। और फूड बेसिकली आपको उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है, आपको यहाँ पे $6 to $10 में बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा, और एक बुफे डिनर आराम से आपको $10 to $15 में आपको मिल जाएगा। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड इट गेव यू लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू मालदीव्स फ्रॉम इंडिया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट प्लीज़ राइट टू मी, माई ईमेल आई डी इज TripGlobally@gmail.com। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।